लारी कला अग्रवाल मोहल्ला में नरकीय जीवन जी रहे हैं ग्रामीण, जनप्रतिनिधियों पर लगाया आरोप। लारी कला अग्रवाल मोहल्ला के ग्रामीणों को नरकीय जीवन जीने को बेबस हैं। आपको बताते चले कि लारी कला अग्रवाल मोहल्ला में सार्वजनिक रास्ते पर जल निकासी न होने से जल भराव की समस्या से ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। तमाम पात्र योजनाओं के लाभ के लिए विभागों के कई बार चक्कर लगा चुके हैं ग्रामीण। वहीं गांव की दुर्दशा के लिए ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को ही दोषी मानते हैं। गांव के सड़कों पे जहां तहां टूटी नालियां और सड़कों पर बहता गंदा पानी, जगह जगह लगे कूड़े के ढेर से गांव की पहचान बन गए हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार यहां के जनप्रतिनिधियों को किया, साथ ही स्थानीय विधायक ममता देवी को भी इसकी जानकारी दी गई, पर किसी ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया और ना ही किसी ने इसे अपने संज्ञान में लेने का काम किया, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी रोष व्याप्त है। इस जर्जर स्थिति को जनप्रतिनिधियों को मैंने काफ़ी गुहार लगाया, जहां तक कि अपने यहां के मुखिया सरपंच से भी मैंने 100 बार गुहार लगाया कि इस स्थिति को देखते हुए आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता है। आज के डेट में बालिका विद्यालय के काफ़ी महिला बच्ची लोग पढ़ने जाती है, इसी स्थिति से गुजरना पड़ता है और छींटे पड़ने का भी डर रहता है कपड़े में, फिर भी लोग इसको संज्ञान में कोई नहीं लिया, प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं, कोई, यहाँ तक कि आपके विधायक ममता देवी को भी मैंने ये बात कहा, लेकिन इस मामला को कोई संज्ञान में नहीं लिया और ना ही कोई हल हुआ। ये अग्रवाल मोहल्ला लारी कला है, अग्रवाल मोहल्ला से सटे मुसलमान मोहल्ला है, बराबर यहाँ सालों भर मुसलमान मोहल्ला से पानी का निकासी होता है, घर का पानी और तेली मोहल्ला से निकासी होता है। इसके लिए बराबर लोग पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी से लोग गुहार लगाया, लेकिन इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह रोड हम लोगों का बूद बाजार लारी से दुलमी तक जाता है, ये चालू रोड है, इसी रोड से होकर के अभी आने वाला है छठ का त्यौहार। छठ के त्यौहार में लोग दौरा लेके इसी रोड से गुजरते हैं। जैसी स्थिति है यहाँ, क्या ये धर्म प्रेमी सज्जनों के लिए जाने के ये रास्ता बच गया है? सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, प्रखंड विकास पदाधिकारी यदि इस पर ध्यान नहीं देते हैं, संज्ञान नहीं लेते हैं, तो हम लोगों का त्यौहार कैसे बीतेगा? मुखिया जी को चाहिए, कम से कम ये लोग 10-15 बार मुखिया जी को लिख के दिया, सब कुछ किया, लेकिन आज तक किसी तरह की कोई इस पर साफ करने का ध्यान नहीं दिए। यह शर्म की बात है, लोग अपने घरों से सीधा रोड में बहा देते हैं और पूरे रोड में पानी जमा रहता है। मैं तो यही मांग करता हूं कि इस गंदगी जो यहां फैला हुआ है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के मुखिया हो, सरपंच हो, हमारे विधायक हो या प्रशासन के पदाधिकारी हो, आए दिन इधर से गुजरते हैं, फिर भी उन लोगों को नजर में नहीं आता है कि अग्रवाल मोहल्ला में जो सामने रोड में पानी जमा हुआ है, गंदगी जो है, हाँ, इसमें लोग कैसे आते जाते होंगे। साथ ही साथ अभी कुछ ही दिनों में छठ पर्व है, लोग इसी रास्ते से होकर के तालाब जाते हैं छठ पूजा करने के लिए, महिलाएं दंड देती हैं सो करके। अब यही देखा जाए कि महिलाएं कैसे सो करके जाएंगी, दंड कैसे देंगी, और यह पूजा महान पूजा है छठ पर्व, लोग इस रास्ते से होकर के जाएंगे कैसे। इसता हूँ कि इसको जल्द से जल्द सफाई किया जाए और इस रास्ते में जो लोग घरों से पानी बहा रहे हैं, इस पर रोक लगाया जाए।